टेक्स्ट फॉर्मूले सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फाइंड फॉर्मूले को दो अलग अलग तरीके से यूज करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहला तरीका इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। फाइंड टेक्स्ट में हमें ए फाइंड करना है तो इसके लिए मैं ए को ले लूंगा, देन कॉमा, उसके बाद विद इन टेक्स्ट में मैंने नाम को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को यहाँ पर मैं ट्रैक कर दूंगा। तो आप देखिए ये हमारा राधा में मैं ए को देखना चाहता हूँ तो हमारा दूसरे पोजीशन पर है, तो राधा में आप देखोगे यहाँ पर दूसरे नंबर पर। ऐसे ही मैं गुलशन में एच को देखना चाहता हूँ तो पाँचवें पोजीशन पर। इस तरह हम पहले तरीके से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। फाइंड टेक्स्ट में हम वापस नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, विद इन टेक्स्ट में नाम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। अब मैं स्टार्ट नंबर में देखना चाहता हूँ, मुझे ये दूसरा वाला ए फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट नंबर में मैं पहले वाले ए को स्किप करने के लिए मैं जो हमारे टेक्स्ट की काउंटिंग है वह तीन से लूँगा, तो मैंने तीन लिख दिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर ट्रैक कर दिया। तो आप देखोगे पहले राधा वाले नेम में मेरा दो आ रहा था लेकिन रिजल्ट टू में पाँच आ रहा है, क्योंकि उसने जो स्टार्ट नंबर पोजीशन थी वो तीन से स्टार्ट की है, इसलिए उसने दूसरे वाले ए को फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम फाइंड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।